दोस्तों मान लो आपको ऑयल एनालिसिस प्रोग्राम करना है आपके हाइड्रोलिक मशीन के लिए, एक्सकेवेटर के लिए, या फिर अदर कौन से भी जो हैवी मशीन है उसके लिए आपको हाइड्रोलिक ऑयल टेस्ट करना है। तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं हाइड्रोलिक मशीन के लिए, इसके रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल टेस्ट करने के लिए जो यूज कंडीशन में है उनको टेस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो कि आपको लैब वाले बताते हैं, और जिसका सोल्यूशन है वह मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टेस्ट आपको करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जिससे आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन मिल सकता है। दोस्तों एक यूज्ड हाइड्रोलिक ऑयल टेस्ट करने के लिए आपको विस्कोसिटी जो टेस्ट है वह टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जिसमें विस्कोसिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस और विस्कोसिटी एट 40 डिग्री सेल्सियस का कितना विस्कोसिटी है यह आपको पता होना चाहिए, और विस्कोसिटी इंडेक्स भी कितना है यह भी पता होना जरूरी है। और मान लो आपका ऑयल जो है वह बहुत पुराना है, बहुत पुराना हो चुका है आपका ऑयल, तो उस केसेस में आपको ऑक्सीडेशन टेस्ट भी करना चाहिए। उसका ऑक्सीडेशन कितना हुआ है वह भी आपको देखना चाहिए, और उसका जो एसिड लेवल होता है टैन टोटल एसिड नंबर यह भी आपको चेक करके देखना चाहिए कि कितना एसिड वैल्यू बढ़ चुका है। वाटर कंटामिनेशन का भी टेस्ट होता है, तो वह भी आपको टेस्ट करके देखना चाहिए कि वाटर कंटामिनेशन लेवल कितना है आपके ऑयल में, इससे भी आपको उसका जो फर्दर लाइफ है वह कितना है यह आप पता कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको एलिमेंटल एनालिसिस करके एक टेस्ट होता है, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके ऑयल में एडिटिव्स लेवल कितना बैलेंस है, और इसके साथ में कंटेमिनेशन लेवल कितना हुआ है, जैसे कि डस्ट डर्ट और अदर कुछ कंटेमिनेशन वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं, यह भी आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट से। और इसके साथ ही और आपका जो मशीन है इसमें वियर एलिमेंट कितना है, जैसे कि आयरन कॉपर और जैसे कि बम्प वगैरह होता है, इसका वियर आउट होता है मशीन जब चलता है तब, तो इसका वियर एलिमेंट्स लेवल कितना है यह भी आपको पता चल जाता है। और इसके साथ ही अगर आपको टेस्ट करना है तो आप और एक टेस्ट कर सकते हैं जिसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो कि पार्टिकल कंटेमिनेशन होता है। पार्टिकल कंटेमिनेशन होता है जैसे कि पार्टिकल काउंट बोलते हैं, जिससे आपको नास नास वाले पता चलता है, नास 5 6 7 8 इस तरह का पता चल जाता है। तो जनरली एक हाइड्रोलिक मशीन के लिए हम रिफर करते हैं कि आपका जो नास वैली है 8 के नीचे होना चाहिए, नास 8 के नीचे होना चाहिए। और अगर आप ISO क्लीननेस टेस्ट करते हैं तो उससे भी आपको पार्टिकल लेवल कितना है यह भी पता चल जाता है, जिसमें ना ISO पार्टिकल कंटेमिनेशन जो होता है उसका जो रेंज होना चाहिए वह आपको 18 16 13 इसके रेंज में रहना चाहिए, या फिर इससे नीचे रहना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और मान लो ये सब टेस्ट आप करते हैं तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा, जिससे आपका ऑयल सुटेबल है यूज़ करने के लिए यह आपको पता चल जाएगा। और अगर किसी भी पैरामीटर्स जो है यह अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया है, उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आपका जो ऑयल है वह फिल्टर कर सकते हैं, या फिर पार्टिकल कंटेमिनेशन हुआ है, वाटर कंटेमिनेशन हुआ है, उस केसेस में आप फिल्टर कर सकते हैं और आपका जो ऑयल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं।